नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, अभी अभी कुछ ही देर पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आ चुका है कि बीकॉम कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। ये नोटिस अब से कुछ ही देर पहले आया हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी नोटिस के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोग अपना रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे एग्ज़ाम के नोटिस को। एग्ज़ाम के नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना होगा गूगल पर। गूगल पर आके आपको सर्च करना होगा cuexam.net, ये आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपके सामने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए, आप लोग लेफ्ट साइड में आइएगा। लेफ्ट साइड में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिस बोर्ड। आप लोगों को इस नोटिस बोर्ड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बोल रहा है एग्ज़ाम नोटिस, ठीक है, तो एग्ज़ाम नोटिस पे क्लिक करिएगा। क्लिक कर देने के बाद फिर से एक नया डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे एक नोटिस आया हुआ है, ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फॉर बीकॉम सेमेस्टर 1-3-5 ऑनर्स जनरल मेजर एग्जामिनेशन 2020 अंडर CBCS। यही वो नोटिस है जो आज के डेट में आया हुआ है। तो मैं आपको नोटिस का डेट भी बता देना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है May 20, 2021। ये नोटिस आज ही के डेट में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है नोटिस का, तो मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बोल रहा है नोटिस को डाउनलोड करने के लिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक कर देने के बाद आपके फाइल में एक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए जो नोटिस है वो डाउनलोड होकर आ चुका है। इस नोटिस में अब क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ नोटिफाइड दैट द रिजल्ट ऑफ बीकॉम सेमेस्टर 1-3-5 ऑनर्स जनरल मेजर एग्जामिनेशन 2020 अंडर CBCS विल बी पब्लिश्ड ऑन 21 मई 2021। यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब है आप लोगों का जो बीकॉम का रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का, वो डिक्लेयर होगा 21 मई को। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है, द ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट ऑन दैट डे फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड बाई एंटरिंग द 12-digit रोल एंड नंबर एक्सक्लूडिंग द hyphens। तो यहाँ कहने का मतलब है आप लोग का जो रिजल्ट है वो 21 मई को निकलेगा। 21 मई को शाम 4 बजे आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना 12-digit का रोल नंबर एंटर करना होगा। आपके रोल नंबर में एक हाइफ़न होगा, ठीक है, हाइफ़न को एक्सक्लूड कर देना, यानी कि हाइफ़न को हटाकर अपना 12-digit का रोल नंबर एंटर करिएगा। उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात आता है कि अपना रिजल्ट कहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए दो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, एक है www.exametc.com और एक है www.wbresult.nic.in। ये दो वेबसाइट दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इन दोनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। आप लोगों ने यदि BA BSc का नोटिस देखा होगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था जो कि टोटल 10 घंटे के लिए क्रैश हो गया था, ठीक है। इसी को देखते हुए यहाँ देखिए दो ठो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो मैं आपको एक वेबसाइट पर जाकर बता देता हूँ कि रिजल्ट किस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर www.exametc.com पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ब्राउज़र को सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए जो exametc.com का जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद देखिए थोड़ा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए बोल रहा है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। सर्च करने के बाद यहाँ देखिए गो का बटन दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करिएगा।
क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बी ए बी एस सी सेम 5, यानी कि यहाँ पे जो बी ए बी एस सी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था अभी उसका दिखा रहा है। लेकिन जब 21 मई को शाम 4 बजेगा यहाँ पर आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, अभी ओपन नहीं है। जब 4 बजेगा 21 मई को तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप लोग अपना बार डेट का रोल नंबर एंटर करिएगा, उसके बाद व्यू रिजल्ट का ऑप्शन होगा तो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस है जिस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा। आपको आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को इस नोटिस के बारे में पता चल गया होगा और साथ ही आप लोगों ने यह भी जान लिया कि आप लोगों को अपना रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस रिजल्ट के नोटिस के बारे में पता चल सके और साथ ही यह भी पता चल सके कि रिजल्ट को किस तरीके से चेक करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल द नॉइज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।